हाय, वेलकम बैक गाइज। मैं मना सिंह। तो आइए, आज मैं आपको कुछ खास चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको क्लॉज उपवाक के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये उपवाक क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, तो आइए इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट की पावर। दोस्तों, ये जो क्लॉज होता है, इसको हम क्लॉज भी कहते हैं, क्लॉज भी कहते हैं। तो ये जो क्लॉज होता है हमारा गाइज ना, जो क्लॉज होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, और एक होता है हमारा वर्ब। ठीक है गाइस? अगर किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो आपका क्लॉज हो गया। एक चीज़ और है, और वो क्या चीज़, तीसरी चीज़ हमारी है, ये दोनों होने के बाद ये हमें क्या देने चाहिए, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसमें सब्जेक्ट है और आप वर्ब है, तो हमारा क्लॉज हो गया। तो इसके आधार पर आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन क्या इसकी बन रही है। तो इसकी परिभाषा है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड क्लॉज। मतलब शब्दों का वह समूह जो वाक्य का एक अंग हो, एक भाग हो, और पूरा पूरा अर्थ देता हो, उससे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं गाइज। तो ये उपवाक्य आइए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो उनको आइए समझते हैं। तो गाइज, दुनिया का कोई भी सिंपल सेंटेंस, कोई भी सिंपल सेंटेंस उठा के ले लीजिए, वो आपका क्या होगा, क्लॉज होगा। दुनिया का कोई भी सिंपल सेंटेंस क्या होगा, क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज होगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अभी हमारे क्लॉज जो है, पहले दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है हमारा इनडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो डिपेंडेंट मतलब होता है आश्रित उपवाक्य, आश्रित, आश्रित। अब आश्रित में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आते हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है कोऑर्डिनेट। ये हो गया। और ये जो हमारा इंडिपेंडेंट है, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, वो होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब, अब इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, मतलब मुख्य उपवाक्य। सबॉर्डिनेट मतलब होता है क्या, आश्रित उपवाक्य, आश्रित। और इसके मतलब होता है क्या, समानपदी उपवाक। तो ये हो गया गाइज। अब देखिए, ये जो आपके क्लॉज है, उसके आधार पर जो सेंटेंस होते हैं, चार प्रकार के होते हैं गाइज। कितने प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। तो सेंटेंस कितने प्रकार के हो गया, पहले आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और आपका चौथा हो गया गाइज मिक्स्ड सेंटेंस। ये हमारे चार प्रकार के सेंटेंस हो गए, किसके आधार पर, क्लॉज के आधार पर। तो आपका सिंपल सेंटेंस, तो जो मुख्य उपवाक्य हो, सिंपल सेंटेंस होगा। कंपाउंड में जिसमें क्या लगा हो, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन अगर लगे हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा गाइज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो इसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, जिसमें सबॉर्डिनेट कंजक्शन जुड़े हो, वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। मिक्स्ड सेंटेंस में जिसमें आपका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सभी होगा, वो आपका मिक्स हो जाएगा। तो सिंपल में इसमें जो है नो कंजक्शन, ठीक है, नो कंजक्शन, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस में याद कर लेना दोस्तों, क्या होगा, अगर किसी भी वाक्य में आपका एंड, एज, एज, ये हो गया,
इट हो गया, एज वेल एज हो गया, एज वेल एज, ये सभी आ गए तो ये हमारे कौन से होंगे, कंपाउंड होंगे। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में गाइस लिख लीजिए, इसमें अगर ये शब्द आ रहे हैं क्या, जैसे हो गया आपका डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच मतलब वाई, जिसमें एच लगा हो, डब्ल्यू एच लगा, वाई, वेयर, वेन, वेन, हाउ, ये सभी, और दैट हो गया, तो ये सभी अगर लगे हैं हमारे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे। और मिक्स सेंटेंस में ये दोनों मिक्स अगर आया है, मेजर क्या रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स सेंटेंस हो गया जी दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरा चैनल कैरियर पॉइंट है, उसमें जा कर के आगे पूरा विस्तार से मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा गाइस। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरे दूसरे चैनल कैरियर पॉइंट बाई वन सिंह को सर्च करके वहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये पहला जो चैनल है इसको भी आप फन फॉर फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनलों पर आपको वीडियो मिलती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैरियर पॉइंट पे मिलेगा दोस्तों। तो पूरी वीडियो देखने के लिए अभी मेरे दूसरे चैनल कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करके उसको देखिए। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हैव ए